शो के प्रायोजक है माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। श्रावणी मेला की तैयारी दिन रात चल रही है, कार्य अपने अंतिम पड़ाव पर है। हरिसभा चौक से लेकर बाबा गरीबनाथ मंदिर परिसर तक सड़क का निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया। यहां तक कि छोटी कल्याणी चौक से बैरिकेडिंग कार्य भी तेजी से किया जा रहा है। हालांकि आम गोला ओवरब्रिज को सड़क निर्माण कार्य के लिए बंद कर दिया गया है। इसके अलावे RDS कॉलेज में जिला प्रशासन की ओर कांवड़िया शिविर बनाई गई है। SDO पूर्वी ने बताया कि कांवड़ियों को किसी प्रकार की असुविधा नहीं होगी। जिला प्रशासन द्वारा हर बिंदु पर कार्य किया जा रहा है। लगभग 2 महीना पहले से पूरा जिला प्रशासन हम लोग अलर्ट मोड में है कि इस बार 2 साल जो लॉकडाउन के चलते श्रावणी मेला का आयोजन नहीं हो सका, जो इस बार हो रही है, और अन्य जगह से जो भी फीडबैक आ रही है उसमें श्रद्धालुओं कांवड़ियों के अधिक संख्या में आने की उम्मीद है। इसी के चलते जो उनका आवासन स्थल था, आवासन स्थल के रूप में ठहराव स्थल का जो भी चीज़ था, तो अलग से हम लोग इस बार 26 विद्यालय चिन्हित किए, जो विद्यालय की कैपेसिटी मिनिमम 1,000-1,500 है, तो 26 अलग से विद्यालय चिन्हित किए और शिक्षा विभाग के द्वारा ऑलरेडी उसमें सारा व्यवस्था की जा रही है। इसके अलावा 20 मैरिज हॉल है और कुछ होटल भी है जिनकी आवासन क्षमता पर्याप्त संख्या में है, उसको भी हम लोग चिन्हित किए हैं और उन लोग से भी मीटिंग करके उन लोग को सहमति प्राप्त हम लोग प्राप्त किए हैं। पर्यटन विभाग के द्वारा ऑलरेडी आपका RDS कॉलेज में 10,000 से 15,000 श्रद्धालुओं के लिए टेंट सिटी का निर्माण उसमें किया जा रहा है। 60 शौचालय बन गया है और स्नानागार भी उसमें बन रहा है, 1-2 दिन में वो भी कम्प्लीट हो जाएगा। फिर RBTS कॉलेज में है और ओरिएंट क्लब पर जो हम लोग का प्रेस है ओरिएंट क्लब वाला, उसमें भी आवासन और ठहराव की पूरी व्यवस्था है। और इस बार एक नया चीज़ है कि प्रभात सिनेमा चौक से लेकर जो गरीबनाथ मंदिर तक जो बारकेडिंग होगा कम्प्लीट लोहे का हम लोग बारकेडिंग हो रहा है, क्योंकि वहाँ पर भीड़ का प्रेशर भी अधिक रहता है, तो बारकेडिंग जनरली जो टूटने की समस्याएं होती थी इस बार बारकेडिंग भी मजबूत रहेगा और किसी भी कांवरिया को चोट लगने की या दुर्घटना होने की उनको संभावना नहीं रहेगी। और पूरे जिले में लगभग 168 जो हम लोग का शौचालय नया बन रहा है, 1,850 के लगभग हम लोग अपना हैंड पाइप लगा रहे हैं, ठीक है। और सर दूसरी और तीसरी सोमवारी को सर काफ़ी भीड़ बढ़ती है जिसके कारण आपका जो बैरिकेडिंग होता है वो टूटता भी है सर, कितने लोग सर उस घायल होते हैं, उसके लिए सर क्या व्यवस्था की? नहीं, जो उसमें दोनों तरह से है, हम लोग का जो भी बारकेडिंग है पिछले साल के कम्परेटिव उसमें सख्त निर्देश दे दिया गया है कि बारकेडिंग को मजबूत करना है, विशेषकर उस जगह पर जहां सबसे अधिक भीड़ रहती है। और चूँकि भीड़ नियंत्रित करने के लिए वहाँ ऑलरेडी 3 शिफ्ट में हम लोग मजिस्ट्रेट और दंडाधिकारी लगाए हुए हैं, जैसे हम लोग का जैसे हरिसभा चौक हो गया, जिला स्कूल हो गया, छोटी कल्याणी हो गई, प्रभात सिनेमा मोड़ हो गया, तो जो भी इम्पोर्टेंट प्लेस है जहाँ भीड़ अधिक रहती है, तो दो उसमें किए हम लोग, एक तो आपका प्रभात सिनेमा से गरीबनाथ मंदिर तक बारकेडिंग टोटल लोहा का हो गया और उसको 2 दिन पहले जाके हम लोग ऑलरेडी टेस्ट भी कर लिए हैं, बारकेडिंग पूरा मजबूत है। और दूसरी है कि जो दंडाधिकारी हम लोग किए हुए हैं पुलिस पदाधिकारी 3 शिफ्ट में सभी इम्पोर्टेंट जगह 3 शिफ्ट में मौजूद रहेगा, वहाँ पर्याप्त पुलिस बल भी रहेगा और कल शाम में गरीबनाथ मंदिर में सभी सेवा दल सेवा समिति के साथ बैठक भी हुई। तो इस बार जो भी हम लोग का समिति होगा उन लोग का जगह भी हम लोग डिफाइन कर दिए हैं, सेवा दल का भी रहता है कि मंदिर के आसपास रहता है तो उससे मतलब नहीं है, जो भी हम लोग का इम्पोर्टेंट जगह है जहाँ कांवरियों की भीड़ रहने की अधिक संभावना है या पिछले साल किसी भी जगह पर जहाँ बारकेडिंग टूटने की समस्या ध्यान में आई हुई है, तो उन जगह पूरा हम लोग अपना सेवा दल को भी मजबूत रखेंगे। उन लोग को ऑलरेडी ICARD गरीबनाथ मंदिर समिति द्वारा दिया गया रहेगा, हमारे सभी दंडाधिकारी हैं उसको भी निर्देश दिया गया है कि इस बार ड्रेस में ही रहेंगे, उजला या आसमानी उनका शर्ट हो गया, ब्लैक और ब्लैक या ब्लू उनका पेंट हो गया, तो मजिस्ट्रेट भी अपने ड्रेस में रहेंगे विथ ICARD रहेंगे, हमारे जो सेवा दल के समिति के सदस्य हैं वो भी अपना परफेक्ट ड्रेस में रहेंगे और जो भी इम्पोर्टेंट प्लेस है सभी जगह रहेगा। और उसी तरह हम लोग वाच टावर हो गया, आपका कंट्रोल रूम हो गया, DN हाई स्कूल में हम लोग खोया पाया जगह के रूप में चिन्हित किया है, सारी व्यवस्थाएँ रहेंगी। सर रूटों को लेकर सर क्या रूट भी चेंज किया गया कि जो रूट था पहले वही रूट रहेगा? नहीं, रूट को हम लोग चिन्हित कर दिए हुए हैं, उसमें रूट जो है कि हम लोग का जो कांवरियों का आने का रूट है वह आपका फकुली जो हमारा बॉर्डर लाइन पे है जो पहलेजा से शुरुआत होगा और फकुली से रामदयालु जो हम लोग का गुमटी है, गुमटी पार करने के बाद आपका RDS कॉलेज होते हुए घोरिया बाजार से आपका आम गोला ओवरब्रिज होते हुए हरिसभा से फिर डाइवर्ट होकर पानी टंकी जिला स्कूल, फिर जिला स्कूल से आपको अमर सिनेमा होते हुए छोटी कल्याणी से फिर प्रभात सिनेमा चौक से फिर माकन शाह चौक होते हुए गरीबनाथ मंदिर, यह रूट है।
और उसमें शनिवार को 2 बजे से लेकर सोमवार के 2 बजे तक इस रूट पर हेवी वाहन, कोई भी चारपहिया वाहन हो, यानी कि इमरजेंसी वाहन छोड़ के जो आपका अग्निशमन हो गया, मेडिकल एम्बुलेंस हो गया, प्रशासन गाड़ी छोड़ के, बाकी जो है कि सब प्रतिबंधित रहेगा। उनके वैकल्पिक रूट की व्यवस्था निश्चित कर दी गई है। जैसे कोई भी अगर हाजीपुर साइड से आता है तो वहाँ ऑलरेडी उसको लालगंज वाला डायरेक्शन से जाना है, हाजीपुर एडमिनिस्ट्रेशन है उससे भी हम लोग को बात हो गई है, और अपना जो लोकल है उसके अनुसार हम लोग रूट चार्ट को भी नोटिफाइड करा दिए हैं। समस्तीपुर से आने वाली जितनी गाड़ियाँ हैं उसको काजी इंडा मोड़ से हम लोग आपका महुआ वाला रोड में डाइवर्ट कराएंगे। जो पश्चिम पूर्वी चंपारण से आने वाली जितनी गाड़ियाँ हैं वो भगवानपुर से रेवा रोड होकर पटना जाएगी। समस्तीपुर से मोतिहारी जाने वाली जो भी गाड़ी है वो भाई भगवानपुर होते हुए अपना बैरिया होकर अपना चांदनी चौक होते हुए निकल जाएगा। सर, डाक कंवरिया लोग के लिए सर क्या सुविधा दी गई है? सर, डाक कंवरिया लोग के इस बार हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जहाँ से पहलेजा से उर्वी जो जल उठाएंगे वहीं पर स्पेशल एक ईयर मार्क उनको दिया जा रहा है, चिन्हित किया जा रहा है। उनके लिए रबर बैंड या स्पेशल टैग की व्यवस्था की जा रही है कि वहाँ के प्रशासन के द्वारा उनको ऑलरेडी चिन्हित कर दिया जाएगा। तो जो हमारे पुलिस प्रशासन, मजिस्ट्रेट रहेगा, दंडाधिकारी रहेंगे, सेवक दल रहेंगे। वहीं दूसरी ओर बाबा गरीबनाथ मंदिर न्यास समिति द्वारा भी सभी कार्यों को लेकर तेजी से पूरा किया गया। बाबा गरीबनाथ मंदिर के प्रधान पुजारी विनय पाठक ने बताया कि 2 वर्ष बाद यह श्रावणी मेला हो रहा है और इस बार अधिक भीड़ होने की संभावनाएं हैं। देखिए, इस बार पिछले साल की अपेक्षा, क्या 2 साल कोरोना कारण बंद रहा था, पिछले साल की अपेक्षा भीड़ ज़्यादा होने की संभावना हम लोग व्यक्त कर रहे हैं। प्रशासन में, जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन में तैयार है और मंदिर प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। पहले से सारा बिजली बत्ती का पूरा कार्य, सफाई जगह जनरेटर वगैरह सब दुरुस्त किया जा रहा है। पूरा जो लाइन सिस्टम जो जल चढ़ाना है उसको सब सही किया जा रहा है। अर्घा के माध्यम से रविवार को 9 बजे रात्रि से लेकर सोमवार को संध्या तक अर्घा के माध्यम से जल अर्पण होगा। बाबा गर्भगृह में कोई नहीं जाएगा, जो भी लोग जल चढ़ाएंगे बाबा के मस्तक पर गिरेगा, उनका जल, फूल, बेलपत्ता, प्रसाद जो भी बाबा के मस्तक पर गिरेगा और उसी माध्यम से लोग जल चढ़ाएंगे। फिर मंगलवार से बाबा गर्भगृह में ही जलापरण होगा। उसके लिए सेवा दल के सदस्य, जो लगभग उनकी संख्या होगी 2200, वो रहेंगे। पुलिस प्रशासन है कि जिला प्रशासन है कि पूरी बिजली व्यवस्था, सफाई और साथ ही साथ जो हॉस्पिटलाइजेशन होता है वो सारा चीज़ होगा। इस बार कांवड़िया का जो रूट दिया गया है वो रूट किस तरफ से रहेगा? पहले से ही जो रूट था वही रूट रहेगा, सो कोई बदलाव नहीं किया गया। हरिसभा चौक से घूम जाना है, जिला स्कूल जाना है और जिला स्कूल से छोटी कल्याण चौक होते हुए बाबा के दरबार में आना है। कांवड़िया जिला स्कूल नहीं जाएंगे, जो डाक कंवरिया है, डाक कंवरिया जिला स्कूल नहीं जाएंगे, वो सीधे सीधे आ जाएंगे। बाकी जो लोकल कंवरिया है वैसे ही आएंगे और लोग भक्त भी उसी तरह से आएंगे। इस बार पिछले साल अगले उसको जो कंवरिया जल चढ़ा रहे थे, इस बार में कंवरिया को जल चढ़ाने का कुछ अलग व्यवस्था भी किया गया है क्या? नहीं, देखिए, व्यवस्था सिर्फ डाक कंवर के लिए किया गया है। जो डाक कंवर में होता क्या, जो लोग लोकल भी जाते चाहे जो बाइक से भी आते थे वो डाक कंवर करके घुस जाते थे। तो जो वास्तव में जो डाक कंवरिया था उनको बहुत दिक्कत होती थी उनका रूट देने में। तो एक प्रशासन ने पहलिया घाट पर ही एक ऐसा व्यवस्था बनाई है जो चिन्हित किया जा सके कि डाक कंवरिया कौन है और उन्हीं को वो चिन्हित किया जाएगा और वो जो चिन्ह लेकर आएंगे यहाँ उनको प्रवेश दिया। अपने सपनों के आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कचारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहाँ मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111।